ये है दिल्ली दर्पण। राजधानी दिल्ली के द्वारका में 8 राज्यों से आए व्हीलचेयर खिलाड़ियों के क्रिकेट मैच का आगाज हुआ। हर साल की तरह राजापुरी से व्हीलचेयर टीम खिलाड़ियों के साथ अनगिनत लोगों ने इसका हिस्सा बनते हुए बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल में व्हीलचेयर खिलाड़ी जो मात्र भर कहने को दिव्यंग हैं, लेकिन इनके हौसले आसमान की बुलंदियों को छूते हुए नजर आ रहे हैं। खिलाड़ियों का भव्य स्वागत हुआ और द्वारका एडिशनल डीएसपी सुरेंद्र चौधरी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करते हुए व्हीलचेयर खिलाड़ियों की टीम व दिल्ली पुलिस के दरमियान हुए क्रिकेट मैच को शुरुआती दौर में हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद द्वारकापुरी एसीपी राजेंद्र सिंह यादव ने मीडिया समक्ष बोलते हुए कहा, विकलांगता कोई अभिशाप नहीं है, ये किसी भी पल किसी को भी आ सकती है, इसलिए विकलांग इंसान को किसी से कम नहीं आंकना चाहिए। आज का प्रोग्राम जो है, जो फोर्थ लीग हुई है व्हीलचेयर प्रीमियर लीग, इसके सारे आयोजकों को मैं धन्यवाद देता हूं और दिल्ली पुलिस की टीम भी इसमें शुरुआती दौर पर खेल रही है। ये सभी लोगों का जोश बढ़ाने और एक सामाजिक जो हमारा योगदान होना चाहिए सभी लोगों के लिए, उसमें एक महती कदम है। थैंक यू। एक मुट्ठी संस्था की अध्यक्षा सुधा सिंह ने IWPL मैच को करवाने के निर्धारित लक्ष्य के बारे में बताते हुए कहा, हम इन खिलाड़ियों के खेल भरे जज्बे की कद्र करते हैं और हमारा मकसद है इनको भी आम खिलाड़ियों की तरह सरकार की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिलना चाहिए, ताकि ये खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को समस्त देश दुनिया के आगे कायम कर सके। आज एक मुट्ठी IWPL का फोर्थ सीजन था, जहाँ पे देश भर के 8 स्टेट से प्लेयर्स आए थे और हमारे 150 व्हीलचेयर प्लेयर्स हमारे साथ 7 दिन के लिए रहेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पे आज द्वारका के करीबन 32 स्कूल से 100 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और 12 NGOs ने इसमें शिरकत की थी। दूसरी तरफ द्वारका सिटी के संपादक मुकेश सिन्हा ने IWPL मैच की भरपूर प्रशंसा करते हुए कहा, मैच के आखिर तक यही लग रहा था कि 78 रन बना चुकी IWPL की टीम मैच जीत रही है, लेकिन द्वारका सेक्टर 23 के जानबाज SHO सुनील रंजन ने एक ओवर में 30 रन बनाकर दिल्ली पुलिस टीम को 81 रन की जीत हासिल करवाई। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग मैच एंड लग रहा था कि दिल्ली पुलिस हार जाएगी, बट लास्ट के एक ओवर में 30 रन मारकर उन्होंने मैच जीत लिया। तो जिस बॉलर के पिटाई हुई है उसको आज रात में नींद नहीं आनी है। और सडनली जो दिल्ली पुलिस के कैप्टन हैं सुनील राजेन, जिन्होंने अभी कुछ ही दिनों पहले सेक्टर 23 थाने में SHO का पदभार संभाला है, उन्होंने एक्सीलेंट आज प्रदर्शन किया है। बता दें कि हजारों की तादाद में आए अनगिनत दर्शकों ने इस अनूठे मैच का भरपूर लुफ्त उठाया। इस मैच की तुलना IPL मैच से करते हुए हर साल इस मैच को करवाने वाले आयोजक एक मुट्ठी संस्था और अन्य संयोजकों का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए कहा, ये मैच हम सभी के लिए अपने आप में एक प्रेरणा का स्रोत है, जो सभी को हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। बहुत अच्छा मैच रहा और IDPL के बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, जिसमें करीबन 150 व्हीलचेयर्स के जो प्लेयर्स हैं जो यहाँ पर आए हैं करीबन 8 स्टेट से, उनके साथ हमारी दिल्ली पुलिस के एक टीम का मैच हुआ। बहुत टफ कंपटीशन था, उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया। मेरे ख्याल में एक बार ऐसा लग रहा था कि शायद दिल्ली पुलिस लूज कर जाएगी, लेकिन लास्टली बहुत अच्छा एक ओवर के अच्छा स्कोर करने की वजह से वो जीत पाए। द्वारका से मारी दास की रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर